गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फ्रैक्शंस। ठीक है, पहले इसको समझें कि फ्रैक्शंस होता क्या है। अब देखो कि ये पिकॉक है, ठीक है। अब इसमें टोटल उसके फैदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फैदर हैं। और कितने फैदर उसके ग्रे कलर के हैं? 2। देखो, अगर मैम जो हैं तुमको नंबर देती हैं कि 20 में से तुम्हें 18 नंबर मिले, तो 18 नंबर ऊपर लिखती हैं, 20 नीचे लिखती हैं ना। तो देखो ये टोटल फैदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 13 नीचे और ऊपर जितने ग्रे फैदर हैं उनको लिखा 2 by 13। अब देखो ये हो जाएगा 3 by 13। ये कितने फैदर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 by 13। ये 1 ही फैदर ग्रे है तो 1 by 13। ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 4 by 13 है ना। अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 by 13। अब कह रहे कलर करना है 5 by 13। ये 13 फैदर है 5, तो 5 फैदर्स को कलर कर दीजिए। मान लीजिए एक मैंने ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, 3 हुआ, ये 4 हो गया, 5 हो गया। आप चाहो तो एक साथ करना है ना, 7 by 13, 4 by 13, ये हुआ ना। ठीक है, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन जो होता है वो टोटल पार्ट के जितने हिस्से जो हमने किए, जैसे मान लो कि तुम बोले मम्मी मेरे को, मैं खाना खा रहे हो और तुम्हारा पेट भर गया, मम्मी बोलती हो रोटी ले लो, तुम बोलते नहीं आधी रोटी दे दो, तो मम्मी क्या करती है एक रोटी को काट देती है, 2 हिस्सों में बांट देती है, तो वो हो गई 1 by 2, हाफ, आधा आधा, एक के 2 हिस्से हो गए। अब देखो ये है एक पूरा स्क्वायर है, उसके 2 पार्ट किए हैं हमने, तो एक पार्ट 1 by 2, एक पार्ट 1 by 2। अब देखो यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट हैं और एक पार्ट को कलर किया है, तो 4 पार्ट के कितने पार्ट को कलर किया? 1 पार्ट को कलर किया है ना। तो जो हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ शेडेड पार्ट और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमिरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे ये 3 by 4 है, इसमें 3 न्यूमिरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है कि 3 कलर्ड पार्ट है और 4 टोटल पार्ट। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट टोटल हैं, इसमें 3 पार्ट कलर किए हुए हैं। ये ऊपर वाला न्यूमिरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। अब देखो जैसे एग्जांपल है, इक्वल पार्ट्स कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें? 1, 2, 3 पार्ट्स हैं। फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट, हर पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? हर एक को कर, मतलब 1 by 10। शेडेड पार्ट कितने हैं? 3 by 10। अब इसमें देखो कितने पार्ट शेडेड हैं? 1, 2, 3, 4, 12 हैं, तो 4 by 12। इसमें देखो इसमें भी 4 हैं, 4 by 8। अब यहाँ देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये टोटल पार्ट कितने हैं? 6। और कितने पार्ट शेड बचा हुआ है जो शेड नहीं है? या राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, शेड पार्ट लिखना है। तो ये 5 पार्ट हैं शेडेड, 5 by 6। अब देखो टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 3 पार्ट टोटल हैं। शेडेड पार्ट इसमें कितने हैं? 1, तो 1 by 3 हुआ। हुआ अब देखो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3। शेडेड पार्ट कितने हैं? 2, तो 2 by 3। इसमें देखो टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2, 2 by। ऐसे ये सारे करेंगे, ठीक है। शेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन 1 by 2। देखो ये 2 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट को शेड कर देना है, कर दिया। 3 by 4, तो इसमें 3 पार्ट को शेड कर देना है, हो गया। 6 by 9, तो 6 पार्ट्स को शेड कर देना है, एक मान लो ये ले लिया हमने, थ्री हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
और ये 6 हो गया, तीन पार्ट छोड़ दिया, ऐसे करके ये सारा आप कर लेंगे। ओके, अब राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1/6 यानी कि 1/6, 3/10 मतलब 3/10, 4/6 मतलब 4/6, मतलब न्यूमरेटर 4 है और 6 डिनोमिनेटर है, ठीक है। 7/8, 7/8, 3/7, 3/7, 1/4 यानी कि 1/4। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स। 2/2 मेक, देखो दो हाफ, एक हाफ और ये एक हाफ मिलकर के कितना बनाते हैं, एक फुल बनाते हैं, तो 2/2 मेक्स है ना ए होल, पूरा बना देते हैं, ठीक। 3/3 मेक्स अ होल, 3/3, 3/3 मिल जाएंगे तो एक होल बनाएंगे। देयर आर 4/4 इन अ होल, अ होल कैन बी डिवाइडेड इंटू 6/6 में डिवाइड करेंगे तो 6 में बदल जाएगा वो, है ना। अब राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फॉर ईच फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर ये 5/8 है, तो न्यूमरेटर इसका 5 है, डिनोमिनेटर इसका 8 है, इसका न्यूमरेटर 4 है तो डिनोमिनेटर 7 है। अब ये आप अपने से बताएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 सी वाला। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 9, तो फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन हो गया 5/9। अब देखो 4/7 है तो डिनोमिनेटर 7 है, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 4 है। अब देखो 3/5 है, इसका न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 5 है। अब ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, चैप्टर तो अभी शुरू हुआ, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसको ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको कॉपी पे नहीं करना है, लेकिन काम साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।